अपनी सौतन को रेयर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कार्बन फाइबर स्टीयरिंग हमारा सस्ते में तैयार हो जाएगा, इसका ऐसी मॉडिफिकेशन उसमें करें कि उसके जो है पिछले टायर घूमना शुरू हो जाए, सौतन को जो है हम अपनी ड्रिफ्टिंग के लिए तैयार कर लें, पाकिस्तान में वन एंड ओनली हमारी सौतन हो जाएगी। मतलब खलील के होते हुए वैगनर ने धोखा दे दिया हमें। ले बॉयज, ये हमारा सनरूफ का शीशा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले व्लॉग में हमने जो अपना फ्रेम था सनरूफ वाला, उसको TCS करवाया था पिंडी में कि उसका शीशा मिल जाए वहाँ से, लेकिन वहाँ से पिंडी से जो है शीशा नहीं मिला। तो अब वो पिंडी वाले भाई जो है हमारा फ्रेम हमें वापस कर रहे हैं, और उस फ्रेम को हमने लेके जाना मिंटगुमी रोड में। एक बंदा है वो फ्रेम के ऊपर हमें शीशा सेम वैसा बना देगा, ओरिजिनल टाइप का होगा। तो आज हमने सबसे पहले डेवो वालों से अपना फ्रेम उठाना है, और अपना फ्रेम उठा के हमने जाना है सीधा मिंटगुमी रोड। और दूसरा जो है सबसे जरूरी बात मैंने आपसे करनी है RWD की। RWD क्या है ये आपको पता चल जाएगा, रेयर व्हील ड्राइव होंडा। RWD आपने आज तक पाकिस्तान में होंडा नहीं देखी होगी, इस बारे में बहुत जरूरी आपसे बात करनी है। वो हम ब्लॉग के एंड में करेंगे सुकून से, ताकि पहले ये अपने काम वगैरह खत्म कर लें, उसके बाद सुकून से मिलके ये बात करेंगे RWD। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काफी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इतनी सदार मेरे सब्सक्राइबर रह गए, 1,00,000 पूरा होने में, उसके बाद हमारी सिल्वर प्ले बटन आ रहा है। लोग आप लोग भी कह रहे होंगे कि बार बार सिल्वर प्ले, आप लोगों को क्या फायदा होना है यार, मेरी छोटी सी खुशी पूरी हो जाएगी, बस मेरा यही फायदा है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इधर ही इसी जगह पे खड़े होकर वीडियो क्यों बनाता हूँ ये कबाड़ खाने में। तो यार सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे पूरी वर्कशॉप में इसी जगह पे मिलता है, बहुत लेवल का, क्योंकि बाहर से धूप आ रही होती है, अंदर अंधेरा होता है, तो मेरा मुँह जो है ग्लो कर रहा होता है। अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये मैं आ गया हूँ बाहर, अब मैं दोबारा वापस जाता हूँ अंदर। फ़र्क आप लोगों को नज़र आ ही गया होगा कि क्या फ़र्क है बाहर खड़े होकर वीडियो बनाने में और अंदर खड़े होकर वीडियो बनाने में, इसलिए ये जगह मुझे बहुत पसंद है। जैसा कि आप देख रहे होंगे गुफा, इस गुफा में बनाने का वीडियो अपना ही मज़ा है। चले चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मेरे सपनों की रानी। ये हमारी सौतन का पुराना स्टेयरिंग है, अगर आप पुरानी वीडियोज देखते होंगे तो आपको पता होगा। अब जो हमने इंस्टॉल किया है इसमें मोमो स्टेयरिंग इंस्टॉल किया है, लेकिन हमने जो है इसको चेंज करके इस वाले स्टेयरिंग को जो है तैयार करना है, कार्बन फाइबर स्टीयरिंग में तैयार करके इसको दोबारा इसमें फिट करना है, क्योंकि मोमो स्टीयरिंग मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जैसे अब ये देख रहे हैं ये आगे निकला हुआ है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ही हम डी शेप में बनवाएंगे, और कार्बन फाइबर स्टीयरिंग हमारा सस्ते में तैयार हो जाएगा, इसका ब्लॉग भी मैं अलग से बना के अपलोड कर दूँगा। अच्छा बॉयज़ हम निकल गए अपनी मंजिल पर, मलिक खलील हमेशा की तरह हमारे साथ है, और सामान वगैरह भी हमने पकड़ लिया है, रबर और उसका फ्रेम जो है दोनों चीज़ें हमने पकड़ लिया। बस वहाँ से शीशा बनवाना है, तीन चार घंटे लगेंगे शीशा बनाने में, और बना के वो इसके ऊपर फिट करके सारा ओके करके हमें देगा, स्टिकर वगैरह जो भी लगना होगा सारा कुछ वही करके देगा। नए वॉइस फ्रेम हमने बनने दे दिया, डबल डबल व्लॉगिंग हो रही है। मैं भी अपना काट लगा, ये बट हमें पार्टी कराने लगा इधर, अभी समोसे खिलाएगा। बट कितने के खिला दोगे? जितने के आप बोलोगे भाई। वॉइस समोसों का प्लान कैंसिल हो गया मलिक खलील, और ये बट कह रहे हैं हमारे पास पैसे वादू हैं तो आपको टिक्कियाँ खिलाते हैं समोसे कैंसिल करके। भाई मलिक खलील ने न्यू कंपनी खोली है, दल्ला कंपनी। भूखा है देखो, ऐ देखो सदियों का भूखा है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? ये देखे गाइस, एक प्लेट है और चार बंदे हैं, ये चार बंदों ने एक प्लेट खानी है। नहीं नहीं कोई नान मेहमान है, कोई मेहमान मेहमान भी आ जाओ, अभी कोई फैन मिलेगा उसको भी साथ ही बिठा लेंगे, टेंशन नहीं है। अबे साले हम निकल चुके हैं, अभी 2 घंटे लगने हैं सनरूफ को बनने में, इसलिए हमने जो सोचा है कि अब हम थोड़ा घूम फिर कहते हैं, आपको भी थोड़ा घुमा लें, एक ही जगह पे खड़ा करके ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा घूम फिर के अभी खलील को मुजरत करते हैं, यहाँ तो फिल्में लगी हुई हैं अभी यहाँ से। बाकी यार अभी हमें खुद नहीं पता कि हम जा किधर हैं, पर जिधर भी जाएंगे आपको बता देंगे कि हम इधर जा रहे हैं। इसलिए 10-2 सेल ने एक सेल कटान जा रहे हैं, काट पे आए तो वाइस 2 सेल है, जब 1 सेल होगा हमने वापस आ जाना, क्योंकि
घर भी जाना है, तो ये ना हो कि दोनों साइड रास्ते में ही खत्म कर दे, बाद में वापस आने के लिए सेल की जरूरत पड़े। वाइज मतलब खलील के होते हुए वैगना ने धोखा दे दिया हमें। इसकी बैटरी के टर्मिनल में जो है कार्बन आ गया था, मैकेनिक लगा हुआ है, कार्बन आ गया था इधर, टाकी डाल गया, खराब कार है। वाइस सनरूफ रेडी हो गया, बस अब पहुंच रहे हैं, जाके दुकान से उठाते हैं सनरूफ और आपको दिखाते हैं। फाइनली यार बॉयज घर पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, रास्ते में रात भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए वो सनरूफ आपको सही से दिखा नहीं सका। अब जो है मैं आपको सुबह सनरूफ वगैरह दिखा दूंगा, अभी वैगनर की डिग्गी में पड़ा हुआ है, तो सुबह इंशाल्लाह आपको भी, बात भी मैंने आपसे बहुत ज़रूरी करनी है, वो भी आपसे सुबह करेंगे और सनरूफ भी आपको सुबह दिखाएंगे फिट करके। बॉयज नया दिन नई सुबह हो गया, अब फटाफट से जाते हैं और आपको सनरूफ दिखाते हैं, सारी बातें बाद में करते हैं। ले बॉयज ये हमारा सनरूफ का शीशा ब्रांड न्यू, अभी ज़रा इसको टेप वगैरह लगी है क्योंकि इसकी सिलिकॉन गीली थी, तो अब टेप उतारते हैं इसकी। वाइज ब्रांड न्यू सनरूफ चेक करें ज़रा, कैसी कमाल लुक आई है, लेवल हो गया सोतर, अब फुल शशकों में आ गई है अपने, चेक करें कैसी लुक है। अब बस साइड मिरर रहता है, ये वाला शीशा भी ओके हो गया हमारे, ऊपर वाला शीशा भी ओके हो गया, फ्रंट स्क्रीन भी ओके हो गया, बस साइड मिरर एक साइड का रह गया, बाकी गाड़ी में कोई मसला नहीं है। कंपाउंड अभी होनी है गाड़ी, वो भी करवा लेंगे, पहले साइड मिरर का कुछ कर लें और बाकी जो है काम वो भी कर लें। अच्छा तो बॉयज़ यार सनरूफ हमारा फिट हो गया, अब जो बात रह गई RWD की, RWD क्या है, RWG है, रेयर व्हील ड्राइव होंडा। पाकिस्तान में आपने कभी भी रेयर व्हील ड्राइव होंडा नहीं देखी होगी जो कि ड्रिफ्टिंग करती हो, रेयर व्हील हो, पिछले टायर घूमते हो, अब हमेशा होंडा के अगले टायर ही घूमते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी सोतन को RWD में कन्वर्ट करते हैं। अभी सोतन के जो है अगले टायर घूम रहे हैं, हम ऐसी मॉडिफिकेशन उसमें करें कि उसके जो है पिछले टायर घूमना शुरू हो जाए, सोतन को जो है हम अपनी ड्रिफ्टिंग के लिए तैयार कर लें, पाकिस्तान में वन एंड ओनली हमारी सोतन हो जाएगी। घर के मुल्कों में काफ़ी रेस वगैरह तैयार कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज तक RWD नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव होंडा होती है, लेकिन रेयर व्हील ड्राइव होंडा पाकिस्तान में नहीं होती। बाकी यार इस बारे में आप लोग भी मुझे बताएं कि हमें अपनी सोतन को रेयर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट में मेरे साथ शेयर करें। अगर तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ये काम मैं शुरू कर दूंगा, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर ये काम इधर ही छोड़ देंगे, पर सोतन जो है फ्रंट व्हील ही रहेगी, रेयर व्हील सोतन को तैयार नहीं करेंगे। बाकी यार इस बारे में हम टोटल बात जो है पूरे एक अलग एक्स्ट्रा व्लॉग बना लेंगे अलग से, उसमें हम ये सारी इस बारे में बात करेंगे, आप और मैं बात करेंगे बैठ के सुकून से। अभी मैंने कहा फिलहाल आपसे मशवरा करके देखूँ क्या आपका रिएक्शन आता है, बाकी प्रॉपर बात जो है हम बाद में करेंगे हमें नेक्स्ट ब्लॉग में। हम इस ब्लॉग को हम इधर ही खत्म करते हैं, उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस के लिए। अब आपको हाथ थक गया, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। मेरे भी अच्छी मारूँ है।